बकरीद नजदीक है और बकरीद को लेकर कई तरीके के गाइडलाइंस भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। इसी बीच लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के मुसलमानों से हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने का अनुरोध किया है। अजमल ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के पर्व पर गायों की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है। बता दें कि अजमल असम राज्य जमीयत उलमा के प्रमुख भी है, जो कि देवबंदी स्कूल ऑफ थिंग से संबंधित इस्लामिक विद्वानों के प्रमुख संगठनों की शीर्ष संस्थान है। अजमल ने कहा, आरएसएस के कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करके हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राज्य कभी उनके सपनों में भी नहीं होगा। वे इस देश में मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच एकता को नहीं तोड़ सकते। यदि आप ईद पर एक दिन के लिए गाय नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। हम तो इसे मुस्लिम भाइयों के साथ मानते हैं। हमारे सभी पूर्वज हिंदू थे, वे इस्लाम में आए क्योंकि इसमें विशेष गुण है जो कि दूसरे धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। AIUDF के प्रमुख अजमल ने हाल ही में कहा था कि हिंदुओं का सनातन धर्म गाय को मानता है और उसकी पूजा करता है, हमें उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम देवबंद ने 2008 में सार्वजनिक अनुरोध किया था कि बकरीद पर गाय की बलि ना दी जाए। उसने ये बताया था कि इस बात का कोई जिक्र या अनिवार्यता नहीं है कि गाय की ही कुर्बानी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।